तो ठीक है गाइस, अभी हम आ गए स्टोर के अंदर और हमने यहाँ पे सभी लगा लिए प्रोसेसर, तो ये सभी यहाँ पे लगे हुए हैं और साथ में गौरव भाई। गौरव भाई कैसे हो आप? सब बढ़िया, आप कैसे हो? अरे बहुत बढ़िया। तो आज हम AMD के सभी प्रोसेसर के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्राइजिंग कैसी रहने वाली है? प्राइजिंग हमेशा की तरह हटके ही होगी, जबरदस्त है। तो मतलब कभी भी पूछो तो हटके जबरदस्ती मिलेगी। आधे रात को भी उठवा के फोन पूछोगे तो भी यही मिलेगा तुमको। ठीक है, मतलब हटके जबरदस्त, हटके ये तकिया जबरदस्त कलाम है मिलेगी। गौरव भाई का। हाँ ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं सभी चीजों के बारे में, पर उससे पहले एक बार स्टोर के बारे में थोड़ा बता दें। स्टोर एक्चुअली मुंबई में लोकेटेड है, मेटावर्स इन्फो। गूगल मैप पे आप डालोगे मेटावर्स इन्फो तो आपको लोकेशन रूट सब मिल जाएगा, कैसे आना है आपको। और कभी लैमिंगटन रोड के इधर ही है, डेल शोरूम के एग्जैक्ट सामने, वसंत भवन के बाजू में ही है। ओके, मैं सब कुछ नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेकआउट कर सकते आप हो। तो सब डालते ही हो, ठीक है, तो नहीं मैं पूरा वो डाल दूंगा सब चीजें, वही ठीक वही है, सब एड्रेस चीजें डाल वगैरह। देते हो आप। ओके, तो अभी हम एंट्री लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट एंट्री करने एंट्री वाले? लेवल से स्टार्ट करते हैं। A6 मेरे पास है 3500 का, और मेरे पास जितने भी AMD के ये है सब बॉक्स पैक है प्रोसेसर। अगर कोई इससे कम प्राइस देता है तो उसको एक बार पूछ लेना कि खुला हुआ है, OEM है कि कंपनी वेरीफाइड OEM है कि नहीं है, कैसा है। और मेरे पास जितने भी प्रोसेसर है सब इंक्लूडिंग टैक्स है, इंक्लूडिंग GST है, बिल विल प्रॉपर कंप्यूटराइज मिलेगा। वारंटी की कोई टेंशन नहीं होगी, ऑन साइट वारंटी है। कुछ भी प्रॉब्लम हुई AMD के साइट पे जाके तुम सपोर्ट सिस्टम में जाओ, अपना रीजन लिखो, वो लोग आएंगे घर पे, प्रोसेसर लेके जाएंगे, और अगर एक्सचेंज हुआ तो एक्सचेंज करके भी देंगे। ओके ठीक है, तो अभी नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे। A6 3500 का है, और इसमें एंट्री लेवल में एक और है 3000G, जिसमें 2 GB इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आता ही है, वो 5500 का है। 5500, सभी प्राइस इंक्लूडिंग GST। सभी प्राइस इंक्लूडिंग GST, इंक्लूडिंग टैक्स। ओके, अभी नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं यहाँ नेक्स्ट पे। मेरे पास Ryzen 3 में मेरे पास तीन प्रोसेसर है जो ज्यादा बिकते हैं, मतलब रनिंग आइटम में सबसे ज्यादा Ryzen 3 में वो तीन है। एक ओके 3200G है, 8800 का है वो, 8800 का। एक 3300X वर्जन है, उसमें 11000 का है वो। और Ryzen 3 में मेरे पास फोर्थ जनरेशन है 4100 का, वो 7800 का है। 7800। हाँ सेवन ओके, थाउजेंड एट हंड्रेड और का पीसी बिल्ड वगैरह कोई कराता है अगर तो? पीसी बिल्ड कोई भी कराता है तो उसमें डिस्काउंट तो है, तुम्हारे सब्सक्राइबर को तो मैंने दिया ही है हमेशा। ओके ठीक है, अभी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेसर की। नेक्स्ट प्रोसेसर में अगर वेरिएंट में जाएंगे तो i5 के इक्विवेलेंट में Ryzen 5 है। Ryzen 5 में मेरे पास थर्ड जनरेशन में 3600 है, उसका प्राइसिंग है 11000 रुपीज। और फिर फोर्थ जनरेशन में जाते हो तो मेरे पास 4500 है, उसकी प्राइसिंग है 10300। 10300। 10300। और Ryzen 5 में मेरे पास ग्राफिकल प्रोसेसर भी है जिसमें 4 GB ऑनबोर्ड ग्राफिक्स आता है, वो 4600G है, वो 12500 का है। और अगर उसमें फिफ्थ जनरेशन में जाते हो तो 5600G है, वो 15000 का है। और ओके उसमें ठीक एक्स वेरिएंट में जाते हो तो 5600X है, वो 16750 का है। है, और मेरे को आप इसमें ये बताइए, प्लेन हो गया, जी हो गया, एक्स हो गया, इन वेरिएंट में मतलब क्या फर्क? जी अगर आ गया ना, अभी इंटेल में कैसा होता है, एक एफ वाला वेरिएंट होता है और एक विदाउट एफ होता है। एफ में तुमको ग्राफिक कार्ड लगाना कंपलसरी है, और जी में ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना, मतलब विदाउट एफ में ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना। वैसे ही AMD में एक्स होता है और जी होता है। एक्स में तुमको ग्राफिक कार्ड लगाना कंपलसरी है, और जी में तुम ग्राफिक कार्ड नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। ओके एक्स हो गया या फिर 4100 हो गया, फिर 4500 हो गया, ये सब अगर डालोगे ना तो तुमको ग्राफिक कार्ड लगाना कंपलसरी। हाँ ठीक है, तो अभी नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेसर की नेक्स्ट मेरे प्राइसिंग। पास इसमें Ryzen 7 है, जिसमें 5700X है मेरे पास, उसमें 22500 है। इसमें फैन नहीं आता है, Ryzen 7 Ryzen 9 दोनों में फैन नहीं आता है, खाली ओके ग्राफिकल प्रोसेसर में आता है Ryzen 7 के। और बाकी एक्स में तुम लेने जाओगे फैन नहीं आएगा, उसमें तुमको लिक्विड कूलर, स्टॉक कूलर कुछ ना कुछ लगाना जरूरी कंपलसरी है। कंपलसरी। वो AMD वाले फैन नहीं देते, वो पहले से ही बोलते कि तुम तुम्हारे हिसाब से फैन लगा दो, हमारा फैन हम नहीं चलाएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। 5700G है, ये 23000 का है। इसमें तुम अगर नहीं डालोगे फैन तो भी चलेगा, इसमें फैन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और 5800X है, वो 27000 का है। और 5800X 3D है, जो फास्टेस्ट गेमिंग प्रोसेसर है इन द वर्ल्ड, और क्लेम भी हुआ है इंटेल से भी बेटर है ये गेमिंग प्रोसेसर। अगर ये वाला लेते हो तो ये 33000। आपने ये बोल दिया, तो अभी मेरे को आप ये बताइए, जैसे 13 जनरेशन आया है अभी और AMD का 7000 सीरीज भी आया है, तो कौन सा मतलब परफॉर्मेंस में सही निकल के आ रहा है? देखो दोनों इक्विवेलेंट सेम ही है, दोनों में DDR5 भी लग रहे हैं, दोनों में ओके बोर्ड भी कंपेटेबिलिटी है। अभी जब तक वो किसी को अभी रेंडरिंग एडिटिंग करना है, अभी जो AMD लवर है वो AMD लेगा 7000 सीरीज में, जो इंटेल लवर है वो इंटेल ही लेगा 13 जनरेशन में, वैसा उसमें कुछ कंपेटेबिलिटी कर नहीं सकते। ओके, मतलब परफॉर्मेंस के मामले में वैसे बोल रहे कि 13 जनरेशन एकदम बेस्ट निकल के आ रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस एकदम नेक्स्ट लेवल 13 जनरेशन की अभी है। दोनों ही अभी 13 जनरेशन भी अच्छा है, और ये 7000 सीरीज भी अच्छा है AMD का। ऐसा नहीं कि दो मतलब किसी का कंपेयर नहीं कर सकते, वैसा है। कंपेयर अगर होना है तो प्राइस में कंपेयर कर सकते हैं। अभी तुम 7 7700X
एक्स लो या फिर 13700 के लो, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अभी जिसको एएमडी पसंद है वो एएमडी लेगा, जिसको इंटेल पसंद है वो इंटेल ही लेगा, वैसा है। ठीक है, वो माइंडसेट एक ऐसा हो गया पहले से। ठीक है, तो नेक्स्ट के बारे में भी बात करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास राइजन 9 है 5900X जो 33000 का है, और 5950X है वो 51000 का है। 51 हाँ, और अभी इसमें अगर देखने जाएंगे तो मेरे पास 7000 सीरीज भी है, उसमें राइजन 5 में 7600X मेरे पास 28000 का है, जो इक्विवेलेंट टू 13700 के है, उसके इक्विवेलेंट है। और 7700X है मेरे पास राइजन 7 में, वो वाला तुमको मैं दे दूंगा 36500 में। 36500 में अगर वो देखने जाओगे तो 13700K के कंपेटेबिलिटी का है, क्योंकि उसकी प्राइसिंग भी आसपास ही है, उसकी प्राइसिंग कुछ 40-41000 के आसपास है, इसकी 36500 के आसपास है वैसा है। और राइजन 9 में मेरे पास दो है, 7900X जो 50500 का है, और 7950X जो 63750 का है। 750 का है, यस ओके। और अगर बात करें डिलीवरी वगैरह की, पूरे ऑल ओवर इंडिया की डिलीवरी, ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है, बस कुछ थोड़ी छोटी मोटी एप्लीकेबल होती है, खाली वो सीओडी पे ही होता है एप्लीकेबल, वरना टर्म्स और कंडीशन डिलीवरी पे। तो ठीक है गाइस, ये थी आज की वीडियो। वीडियो में हमने सभी एएमडी के प्रोसेसर के बारे में बात की, प्राइसिंग आपको काफी सही मिली है, और जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो, और नंबर भी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो, और काफी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप पीसी बिल्ड कराते हो तब। ठीक है, तो यार ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।